दोस्तों, स्वागत है आपका। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुई T20 सीरीज को टीम इंडिया ने बड़े ही शानदार तरीके से 3-0 से अपने नाम जो है वो कर लिया है। और अब यहां पर टीम इंडिया खेलने वाली है 3 ODI मैचों की सीरीज, जिसकी शुरुआत जो है वो 8 अगस्त को होगी, जहां पर टीम इंडिया पहला ODI मैच जो है गयाना में ही खेलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो कि टीम इंडिया के पहले ODI की प्लेइंग 11 में हमें नजर आ सकते हैं। काफी सारे चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाले हैं, अगर हम कंपेयर करें T20 से या फिर कंपेयर करें वर्ल्ड कप 2019 की प्लेइंग 11 से, काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि T20 की तरह ODI सीरीज भी टीम इंडिया अपने कब्जे में करे, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, यहां पर ODI स्क्वाड की अगर बात करें तो यहां पर भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं, जहां पर आपको बता दें कि MS धोनी इस स्क्वाड में भी अनअवेलेबल हैं। यहां पर भी वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या को ODI सीरीज से भी दिया गया है रेस्ट, लेकिन यहां पर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल जो हैं वो हमें वापसी करते हुए नजर आएंगे। T20 में उन्हें रेस्ट दिया गया था। वहीं मोहम्मद शमी ने भी अपनी जगह बनाई है ODI स्क्वाड में। केदार जाधव ने भी अपनी जगह जो है ODI स्क्वाड में बनाई है। अब दोस्तों, यहां पर बात करते हैं कि किस तरह की प्लेइंग 11 जो है वो हमें नजर आ सकती है पहले ODI मैच में। तो यहां पर ओपनिंग की अगर बात करें तो रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन जो है वो हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे। शिखर धवन की फॉर्म के ऊपर काफी ज्यादा सवाल है, जब से वो इंजरी से वापस आए हैं पूरा ही T20 सीरीज इनका बेकार गया। ऐसे में इनसे काफी ज्यादा उम्मीदें ODI सीरीज में होने वाली है। वन डाउन पर होंगे दोस्तों विराट कोहली, जो कि कप्तान है। चौथे नंबर पर होंगे ऋषभ पंत। पांचवें नंबर की अगर बात करें तो यहां पर मनीष पांडे, सुरेश अय्यर या फिर KL राहुल, यहां पर तीन बड़े ऑप्शन है टीम इंडिया के पास। इन तीनों में से कोई एक जो है हमें खेलता हुआ नजर आएगा। आपको क्या लग रहा है नंबर 5 पर कौन खेलेगा, मनीष पांडे, सुरेश अय्यर या फिर KL राहुल? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दे। इनके बाद दोस्तों बात करें नंबर 6 की, तो यहां पर केदार जाधव हमें दिखाई देंगे। सातवें नंबर पर होंगे रविंद्र जडेजा। आठवें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार। नौवें नंबर पर मोहम्मद शमी। इनके बाद दसवें नंबर पर युजवेंद्र चहल और ग्यारहवें नंबर पर नवदीप सैनी। कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 टीम इंडिया की हो सकती है। कुलदीप यादव जो है वो यहाँ पर हमें बेंच पर बैठते हुए नजर आ सकते हैं। अगर उनको खिलाना है तो यहाँ पर एक एडिशनल स्पिनर के साथ जाएगी टीम इंडिया। ऐसे में नवदीप सैनी जो है वो हमें बेंच पर बैठते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके चांसेस काफी कम है। यही चांसेस है कि नवदीप सैनी ही खेलेंगे। तीन प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ टीम इंडिया उतरेगी और कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 जो है वो हो सकती है टीम इंडिया की। दोस्तों, आपको कैसी लग रही है ये प्लेइंग 11, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और क्या इस प्लेइंग 11 के साथ ODI सीरीज जो है टीम इंडिया जीत पाएगी? ODI का पहला मैच जो है 8 अगस्त को टीम इंडिया जीत पाएगी? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।